इसको कहा जाता है टांगा ब्रेक। बहुत बार हमने वर्क किए। तो कनेक्टर गार्ड का रोल ये होता है कि गाड़ी के अंदर अगर आपको कोई बर्थ वगैरह चाहिए तो आपको बर्थ प्रोवाइड करना हो। वो क्या कर रहा है भाई ये? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक हो? आई होप आप सब कैरियर से होंगे। तारीख है आज 27 अगस्त और दिन है मंगल। ड्यूटी है मेरी 26 डाउन बाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस पर मुल्तान से लेकर रोड़ी तक। 4 बजे चलती है गाड़ी और आज मुल्तान में इतनी ज़्यादा बारिश थी कि आप ये समझें कि तैर कर आना पड़ा ड्यूटी पर। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाड़ी चलने से पहले तकरीबन 3:30 बजे पहुंच गया था। गाड़ी लेट है, लेट प्लेस हुई है, अब जाकर बारिश कुछ थमी है। तो यूनिफॉर्म अभी तक बैग में ही पड़ा हुआ है एज इट इज़, जैसे मैं घर से लेकर आया था। और कुछ इन्वायरमेंट दिखाता हूँ आपको अभी मुल्तान का कैसा हो रहा है। सो जनाब ये पोजीशन है, तकरीबन 5 बजने वाले हैं, गाड़ी का अभी तक डिपार्चर नहीं हुआ और अब आके जाकर थोड़ी सी बारिश थमी है। तो मैंने कहा यार ऐसे ही जब फ्री बैठे हुए तो क्यों ना कुछ वीडियो वगैरह बनाए जाए, कुछ मौसम का आपको भी दिखाया जाए। मोबाइल में बारिश का इतना पता नहीं चलता। और पाकिस्तान एक्सप्रेस 46 डाउन भी पहुँचने वाली है, गाड़ी अभी तक रवाना नहीं हुई। ब्रेक हमारी आज फेसिंग में है, देखते हैं कि आज का सफ़र हमारा कैसा होने वाला है। सफ़र में रहिएगा साथ साथ। जनाब गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है मुल्तान कैंट से शाम 5 बजे, 1 घंटा लेट हो रहा है। ये देखें यार आप, डक्स में आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरे पानी से भर गए, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। इस तरह से बारिशों में गाड़ियाँ लेट हुआ करती हैं। खैर 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस भी इंटर हो रही है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर और अब जाकर हमारी गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 127 हम हेर एक्सप्रेस गई थी हमसे आगे और उसके बाद फिर अब हमारी गाड़ी चली है 1 घंटा लेट। अचानक गाड़ी चलवाते ही मैंने अपने स्टॉल से समोसा भी पकड़ लिया। मैंने कहा यार इस मौसम में अगर समोसा नहीं खाया तो क्या इंजॉय किया। ठंडा हो रहा है लेकिन फिर भी इस मौसम में कुछ नमकीन खाने को लाजमी दिल करता है। चलिए ठीक ठाक। लोकोमोटिव के बारे में आपको बताऊं तो लोकोमोटिव है आज 6005 AG30 और ड्राइवर हैं हमारे मुल्तान के मुमताज़ हुसैन और असिस्टेंट हैं फैजान सज्जाद। थैंक यू। अब जाकर कुछ बारिश थमी है और अब मेरा समोसा करिए ठीक ठाक खाओगे समोसा अलग। वालेकुम सलाम जन, खरीद अरे जनाब अवाने कुछ रुकी हैं तो दुआ करते हैं कि आज का सफ़र खैर से गुजरे और तमाम मुसाफिर और तमाम अमला बाहिफाजत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। और एक और दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस बारिश के सदके तमाम मेरे दोस्त यार और जो लोग वीडियो देखते हैं, जो नहीं देखते, जहाँ जहाँ परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमाना मेरे मौला। तो खैर दोस्तों कहाँ तक वीडियो बनती है ये तो नहीं पता, मैं कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। खैर फिर भी सफ़र में साथ साथ हैं और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। बारिश के बाद थोड़ा थोड़ा पानी तो जमा हो गया है रेलवे लाइंस में, लेकिन अब देखते हैं कहाँ तक हमें बारिश मिलती है। 1 घंटा लेट चली है और 46 डाउन का भी अराइवल हो गया है, कहीं ना कहीं वो भी हमें ओवरटेक करेगी। आउटसाइड एक अदर ट्रेन भी खड़ी हुई है अप में, इसका लोकोमोटिव 90 है, विसल की आवाज़ तो आई है और KPA बुला रहे थे, मतलब कंटेनर ट्रेन है। देखते हैं जनाब 9008 लोकोमोटिव के साथ ये ट्रेन है
और NLC लोकोमोटिव डेड के तौर पर लगा हुआ है 7176। रंग बिरंगे कंटेनर से कराची से आकर जा रहे हैं प्रेम नगर को, क्योंकि जो KPA होती है उसका कोड ही है ये, कराची टू प्रेम नगर एयर ब्रेक। आ गए हो। PLC जनाब गाड़ी शेर शाह पास कर रही है और यहाँ तक बारिश हो रही है। पेपर लाइन क्लियर मिला है शेर शाह से शुजाबाद तक के लिए। 2 मिनट का क़याम करने के बाद गाड़ी रवाना हो चुकी है हमारी गेलेवाला रेलवे स्टेशन से, और जनाब मुल्तान से यहाँ तक तकरीबन पूरे सेक्शन में ही बारिश हो रही है। और पता चला कि बारिश सिर्फ यही नहीं तकरीबन पाकिस्तान भर में ही हो रही है, क्योंकि मॉनसून का महीना चल रहा है तो ये इन महीनों में जनाब बारिशें काफ़ी ज़्यादा ही होती हैं, बल्कि कंटिन्यूसली होती रहती हैं। गेलेवाला की ओल्ड बिल्डिंग और ये है न्यू बिल्डिंग, और स्टेशन पर आज रश कुछ ख़ास नहीं है। सो जनाब 7 बज रहे हैं, गाड़ी खड़ी हुई है लोधरा जंक्शन, बारिश हो रही है और आज पाकिस्तान एक्सप्रेस ने हमारी ट्रेन को यहीं पर पकड़ लिया, ओवरटेक कर लिया। सिग्नल लगे हुए ग्रीन, वो वाले आपको नज़र आ रहे होंगे, और आज बारिश की वजह से ठंड सी लग रही है। हुई थोड़ा सा फासले पर हो जाओ मैं भी, कहीं ऐसा ना हो ये कोई पानी उछालते भी जाए। सामने आ गई 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस है, 90 लोकोमोटिव है, और काफ़ी टाइम बाद जनाब लोधरा में ही इसका ओवरटेक हो गया। चलें जी अल्लाह के हवाले, हम भी चलते हैं ब्रेक पर ही, आपको नज़र आ रही होगी बारिश में आके मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। और ये देखें जनाब पानी हुआ है ट्रैक सारा। नेक्स्ट डे, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ रोड़ी में और तकरीबन रात के 3:30 हो रहे हैं, और उस वक्त मैंने वीडियो वहीं स्टॉप कर दी थी क्योंकि इसके बाद अंधेरा हो गया था और अब बारिशों की वजह से काफ़ी सिटीज़ में ब्लैक आउट था, लाइट नहीं थी, तो फिर लाइट नहीं हो तो कुछ ख़ास नज़र नहीं आता। इसलिए मैंने कहा कि अब वापसी में जो हम रोड़ी से लेके मुल्तान तक ज़िक्रिया एक्सप्रेस का सफ़र करेंगे उसको कैप्चर करेंगे, क्योंकि वो फिर अभी तो रात हो रही है लेकिन कुछ देर में जब दिन शुरू हो जाता है तो फिर दिन में सही नज़र आता है। टाइम देख लें तो इस वक्त 3:30 हो रहे हैं। तो जनाब हमने कूलर वगैरह अपना उठा लिया है, और सबसे पहले जो अहम काम मेरी रूटीन में है कि लाइट्स ऑफ करना, लाइट और फैन सब ऑफ़ कर देता हूँ मैं, क्योंकि इस वक्त
अब सिर्फ 8 डाउन के इंचार्ज ने आना है तो अच्छी बात है कि आप लाइट और फैन वगैरह ऑफ करके जाएं। और आज तो जनाब इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं सखर में कि ठंड लग रही थी। ऐसे कुछ लोग बाहर सैन में चारपाई भी लगा लेते हैं रनिंग रूम के, और आज किसी ने लगाई भी क्योंकि हल्के फुल्के यहाँ पर बारिश भी हो रही है। और फिर ये देखें दरख्त कितने तेज़ तेज़ हिल रहे हैं। मैंने अपना बैग हैंग कर लिया और मुझे लग रहा है आज भी हमारी एंट्री रह गई। ये जो AGMU इंटर होता हुआ नज़र आ रहा है ये हमारी ट्रेन ही लग रही है मुझे। तो चले जनाब अभी भी हवाएं चल रही है, सिर्फ फेस वॉश की है, हल्के हल्के से ठंड लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बारिशों के बाद मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है। इकबाल ताहिर साहब ड्राइवर हैं हमारे और असिस्टेंट है जफर। क्या हाल है उस्ताद जी, खैरियत है? मोहम्मद रजा L2 इंजन पर है। जफर अब्बास हमारे ड्राइवर हैं और असिस्टेंट हैं यासिर अब्बास। लोकोमोटिव की बात की जाए तो लोकोमोटिव आज हमारा 8225 AGMU 30। रात के वक्त जनाब इतना ही नज़र आता है, रात का वक्त मैं आपको अक्सर स्टेशन की रौनक तो लाजमी दिखाता हूँ। इंचार्ज गार्ड सईदुल इस्लाम आए हैं। क्या रहे सईद भाई, खैरियत है? ये क्या रात में आइसक्रीम खा रहे हैं? क्या गर्मी लग रही है, आइसक्रीम खा रहे हैं रात में? चले एंजॉय करें, एंजॉय करें अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा पहले इतनी मुश्किल से गला हिस्सा हिस्सा ठीक हो रहा है, रात में आइसक्रीम खा लूँ तो ये तो अपने ऊपर जुल्म होगा। तो जनाब मैंने अपने रजिस्टर पर टाइम नोट कर लिया है और इसे रफ जर्नल कहा जाता है, तो मैं अक्सर इसे रफ जर्नल ही कहता हूँ जो प्रॉपर लफ्ज़ है। तमाम ट्रेन के टाइमिंग 2:55 गाड़ी का अराइवल था और 3:20 शेड्यूल डिपार्चर होगा, जबकि गाड़ी हमारी आई है 3:35 पर, सिर्फ 40 मिनट लेट है। और जो रस्ते में काम आने वाली चीज़ें हमारे पास वो होता है हमारा वॉकी टॉकी, एक है हमारे पास लाइट जिसे ग्रीन या फिर वाइट के तौर पर यूज़ करते हैं, पेन है, घड़ी है जो सबसे अहम है घड़ी है, ट्रेन पेपर हैं जिसमें से ड्राइवर साहब का लोड टिकट और जो ट्रेन पेपर कराची से चलती है, तो तमाम चीज़ें नोट होती हुई आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हुई, गाड़ी कितनी लेट आई, मज़ीद इस पर हम वर्क करेंगे। और आज हमारे साथ प्लान लगा हुआ है तो प्लान का शोर ही आपको सुनाई देता रहेगा। शायद हमारी गाड़ी में कोई काम हो रहा है किसी कोच में, इसलिए गाड़ी एक्स्ट्रा हो गई है और 4:10 पर इंटर हो रही है 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस। ये लेट थी, बाकी जो आगे जा रही होती हैं वो तो निकल गई हैं। 9017 लोकोमोटिव के साथ देखते हैं इस पर इंचार्ज कौन आया है। गैरेज स्टाफ आ गया है गाड़ी को चेक करने के लिए और प्लेटफार्म नंबर 1 से जा रही है 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस। एट डाउन तेजगाम एक्सप्रेस भी 9039 लोकोमोटिव के साथ अब आई है 42 डाउन के बाद। 17 अप के इंचार्ज गार्ड जा रहे हैं इरफान सगीर और आए हैं अली हसन से मुलाकात करते हैं अभी अगर ये मान जाए तो। पिछले चक्कर तो मुझे कह रहा था कि नहीं मैंने कैमरे के आगे नहीं आना। अली भाई शर्मा रहे हैं। क्या हाल है इरफान भाई, खैरियत है? ठीक ठाक है। इरफान भाई जा रहे हैं 17 मिल्लत एक्सप्रेस रोड से खाने वाल। अली हसन आए, अली भाई आप कैसे हैं?
हमेशा मुझे कहता है कल आऊंगा कल आऊंगा। अली भाई कैसे हो यार, इधर तो देखो मुसलमान नहीं हो, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। वालों को बहुत पसंद आए। अच्छा थैंक यू, फरमाइश आई है। थैंक यू वेरी मच, और कैसे हैं आप? इधर आ जाए, इस दफा पकी हुई पेटी लेकर आइएगा। अच्छा इधर तो आ जाए, कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ? गाड़ी फिट नहीं करानी, कर रहे हैं गाड़ी में। कितना टाइम लग जाएगा? चलो वेल्डिंग प्लांट आगे, गाड़ी में कोई डाइनिंग कार के साथ कोई काम है, अगर ज़रा टाइम हुआ तो मैं चलता हूँ देखता हूँ। जनाब ये प्रीमियम लाउंज था जिसका वेल्डिंग का प्रॉब्लम था, तो वेल्डिंग की है वो, अब वेल्डिंग प्लांट को लेकर जा रहे हैं। एक घंटा स्टॉप कर चली है गाड़ी हमारी रोड़ी जंक्शन से, 40 मिनट लेट आई थी और 35 मिनट एक्स्ट्रा हुई है, यानी कि तकरीबन 1.25 घंटा लेट रवाना हुई है। सवा घंटा लेट हो गई है यहाँ तक, और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मौजूद है 79 मिल्लत एक्सप्रेस, ये भी कहीं ना कहीं हमें ओवरटेक करके जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग खानपुर के बाद भी कहीं ओवरटेक करेगी अगर इसने किया तो। खैर जनाब दुआ करते हैं कि आज का सफ़र खैर से गुजरे और तमाम मुसाफिर और तमाम अमला बाहिफाजा अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। ये शुक्र है कि ये काम जो था ये रोड़ी जंक्शन पर ही हो गया, यहाँ वेल्डिंग प्लांट भी था, वेल्ड भी हो गई और सारा मसला हल हो गया। 5:38 पर गाड़ी का अराइवल हुआ हमारी घोटके रेलवे स्टेशन, और 69 कराची एक्सप्रेस थ्रू पास होने वाली है यहाँ से। और जनाब मौसम चेक करें, मौसम हल्की हल्की ही बूंदाबांदी शुरू हो गई है, और सारे रास्ते वैसी हमें यहाँ पर मिली थी टाउन में आते हुए बारिश, तो मे भी हमें वापसी में जाते हुए भी नज़र आए। स्टेशन टाउन सामने आ गई है, मिनट का स्टॉप किया दोस्तों गाड़ी ने हमारी सादिकाबाद रेलवे स्टेशन, गोटकी के बाद सेकंड स्टॉप आया है सादिकाबाद, और मिल्लत एक्सप्रेस भी तकरीबन हमसे 2 स्टेशन के मार्जिन पर चल रही है। मौसम देखकर कुछ लग रहा है कि बारिश होनी है, और कहीं कहीं हो भी रही है। वो उमरा जायरीन भी आए हैं, एक दो कि उनके पास आप जमजम की बोतलें नज़र आ रही हैं, तो उससे ही पता लग रहा होता है कि, और उन्हें फिर उन पर उन्हें लोग रिसीव करने आते हैं, फूल वगैरह पहनाते हैं।
सिर्फ एक स्टेशन का मार्जिन बचा है हमारी गाड़ी और 79 मिलत एक्सप्रेस के दरमियान। राइट जनाब, राइट। यहाँ पर भी जनाब एक उम्रा जाहिरीन का एक ग्रुप आया है, कोई फैमिली आई है उम्रा करके। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे और जो करके आ गए उनका कबूल फरमाए। 49 अवाम एक्सप्रेस भी अप्रोच कर रही है रहीम यार खान, बाकी सब गाड़ियाँ तो तकरीबन निकल गई हैं। तो एक लाइन चल रही होती है, पूरा एक ग्रुप चल रहा होता है ट्रेन का, उनमें से बजकर 20 मिनट पर गाड़ी का अराइवल हुआ खानपुर रेलवे स्टेशन और RG245214 के साथ जा रही है गुड्स ट्रेन। ड्राइवर अब्दुल गफ्फार साहब हैं, रोहड़ी के मशहूर। वैक्यूम का लोड है, डेड के तौर पर जा रहा है 5220। हल्की हल्की सी स्मोकिंग करता हुआ कंटेनर ट्रेन जा रही है और जिस पर ये लोड है इन्हें कहा जाता है MBFR। और ये जो MBFR है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं और BFC और मुख्तलिफ किस्म का लोड मिक्स लोड जा रहा है सारा। तो हमारे फॉलो आ रही है 79 मिलत एक्सप्रेस। अगर ड्राइवर साहब ने थोड़ी सी हिम्मत की तो हो सकता है हम निकल भी जाएं, क्योंकि उसने लोधरा से मुड़ जाना है वाया जानिया और हमारी गाड़ी ने वाया मुल्तान जाना है मुल्तान तक। इसको कहा जाता है तांगा ब्रेक, बहुत बार हमने वर्क किए और मेरा बैचमेट जा रहा है इसमें सैयद बशारत अली। 1 घंटा 15 मिनट लेट चलकर 1 घंटा 40 मिनट लेट पहुंची है गाड़ी हमारी खानपुर रेलवे स्टेशन। और जनाब आगे एक ग्रुप और हमें नज़र आया है, देखते हैं किसका है। ये भी उम्रा जाहिर ने जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने एक बात नोट की है कि इस गाड़ी में काफ़ी सारे उम्रा जाहिरीन नज़र आ रहे होते हैं हमें आप में कभी कभी। और यहाँ पर हल्की हल्की सी फुहार शुरू हो गई है, ये देखें जनाब एक ग्रुप और है। इनको कैप्चर करने का मकसद हरगिज़ भी किसी की ख़वातीन को लेडीज़ को कैप्चर करना नहीं होता, क्योंकि वो भी हमारी माएँ बहनें हैं। लेकिन रनिंग ट्रेन में फेस जो होते हैं चेहरे वो नज़र नहीं आते, इतना पता नहीं चलता। और खानपुर से मुल्तान तक ज़्यादा स्टॉप है। Thank you.
सामने से अप्रोच कर रही है NLC लोकोमोटिव के साथ पार्सल ट्रेन। लोकोमोटिव है GMU डेड के तौर पर लगा हुआ है। गाड़ी अप्रोच कर रही है सम्मासटा जंक्शन, तो सामने आकर स्टॉप किया है 12 डाउन हजारा एक्सप्रेस ने। GMU 30 लोकोमोटिव है और लोकोमोटिव का नंबर है 8218। तो लगता है लोकोमोटिव के साथ तो कोई ब्रेक ब्लॉक का काम हो रहा है जिस वजह से गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई है। खैर है तो वैसे स्टॉप ही, लेकिन शायद वैसे ही चेक करा रहे हैं इस गाड़ी का। शुरू में प्लांट है, उसके बाद AC स्टैंडर्ड, उसके बाद इकोनॉमी क्लास। गाड़ी हमारी अप्रोच कर रही है बहावलपुर और समासटा अप्रोच कर रही है 5 अप ग्रीन लाइन। अभी चेक करते हैं ट्रैकर पे कि वो खड़ी होती है नहीं। कैबिन में सिग्नल एक्सचेंज कर रहे हैं हमारे साथ, इस तरह से ये पूरी गाड़ी को वॉच भी कर लेते हैं और गाड़ी चेक भी हो जाती है कि सेफ एंड साउंड जा रही है, कोई चीज़ हैंग तो नहीं कर रही, कोई चीज़ ब्रोकन तो नहीं है। और जब अब ये CBI सिस्टम जब से लगाए तो तब से केबिन सिस्टम ख़त्म हो गया, तो फिर ऐसे में वॉच करता है गाड़ी को जो ऑन ड्यूटी होता है, जब थ्रू पास हो रही हो या फिर रुक कर चले। दस बजकर 34 मिनट पर गाड़ी का अराइवल हुआ हमारी बहावलपुर रेलवे स्टेशन। ये 5 अप समासट्टा तकरीबन ब्रेक लगाने वाली है, इसलिए हम भी जल्दी से गाड़ी चलवाते हैं अपनी। चलें जनाब, ये बेहतर ही हो गया कि हमारी गाड़ी निकल गई 5 अप के आगे आगे। वे होता तो 20-25 मिनट मज़ीद ज़ाया होने थे। और अब में 5 नहीं बल्कि 4 मिनट का स्टॉप है बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस का बहावलपुर में। काफ़ी पैसेंजर्स यहाँ पर उतरे हैं। और ये बॉक्स जो आपको नज़र आ रहे हैं रखे हुए, ये ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पर लोड होंगे। अल्लाह खैर, चलो बच गया लड़का। ड्राइवर 25 आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम राइट मूव करें। गेलेवाल के बाद नेक्स्ट स्टॉप आता है हमारा ज़रीफ शहीद, मशहूर शायर शाकिर शुजाबादी भी इधर ही रहते हैं और सिराय की ज़ुबान के बहुत मशहूर शायर हैं। और दोस्तों एक बात आपको और बताऊं कि जिस तरह ये ज़रीफ शहीद बना हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ टिकट देने वाला एक ही ऑफिस खुला होता है, बाकी तो SM बिल्डिंग नहीं है, ना कोई गाड़ी को रोकने वाला ना चलाने वाला। तो जनाब क्योंकि यहाँ पर स्टॉप टाइम टेबल में दिया हुआ है, तो गाड़ी स्टॉप करती है और 2 मिनट का है, तो 2 मिनट बाद ड्राइवर साहब विसिल दे के रेडी टू मूव हो जाते हैं। और फिर ये ट्रेन इंचार्ज पर यानी कि हम पर होता है कि गाड़ी को मुसाफिरों को ये तसल्ली करके कि तमाम मुसाफिर उतर गए, तो उसके बाद फिर गाड़ी चलाते हैं हम।
यानी ऐसे स्टेशन से जहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है, और कॉशन देने के बाद वहाँ पर ड्राइवर और गार्ड इन दो पर होता है कि वो उन स्टेशन को अच्छी तरह देखकर फिर वहाँ से गाड़ी अपनी चलाएं। राजा राम इसका पुराना नाम था, और 71 की वार में एक अहलकार शहीद हुए थे फौज के, जिनका नाम था ज़रीफ, उनके नाम पर रखा गया ज़रीफ शहीद। और इधर ही कहीं रिहाइश है शक्र शुजाबादी की। और अगला स्टॉप आता है यहाँ के बाद हमारा शुजाबाद रेलवे स्टेशन, और शुजाबाद के बाद आएगा मुल्तान कैंट। 12:15 बजे हमारी गाड़ी का अरेवल हुआ शुजाबाद रेलवे स्टेशन, और आज हमारे साथ कंडक्टर गार्ड जो कल गए थे वापसी में वही आए हैं, कदीर कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? और ये क्या मेरी तस्वीर बना कर भेज रहा? आप खूबसूरत लोग हैं ना, आपको भी लोग देखेंगे, आप इतनी उम्र में इतने हैंडसम हैं, लोग कहते हैं कि हमें आप जो आपके साथ लोग चल रहे होते हैं एसटी या कंडक्टर गार्ड उनसे भी मिलाए करें। और जनाब कंडक्टर गार्ड का रोल मैं खुद बता देता हूँ, सर ज़रा कन्फ्यूज़ हो गए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो कंडक्टर गार्ड का रोल ये होता है कि गाड़ी के अंदर अगर आपको कोई बर्थ वगैरह चाहिए तो आपको बर्थ प्रोवाइड करना, और अगर आप अपनी सीट वगैरह किसी और क्लास में चेंज करवाना चाहते हैं तो वो करना। और सर कुछ कहना चाहेंगे? सर बस कर यार, काफ़ी है। चलें जी, अल्लाह खैर करे। ड्राइवर 25 अब सुलेमान राइट, ठीक है सर, थैंक यू, फिर मुलाकात होगी आपसे। तो गाड़ी अब शेरशाह जंक्शन पहुंच रही होती है, तो ये लाइन जो जा रही है ये सीधी अगर भावलपुर से गाड़ी आए, और वैसे तो पैसेंजर ट्रेन से डायरेक्ट इस लाइन पर तो नहीं जाती, मुल्तान से ही चलती है कुंडिया के लिए और रावलपिंडी के लिए मेहर एक्सप्रेस और थल एक्सप्रेस। माल गाड़ियाँ अलबत्ता आती हैं तो वो सीधी शेरशाह से पहले पॉइंट्स बने हुए हैं तो इस लाइन से मुड़ जाती हैं सीधा महमूद कोट और कोटद्दू लैया बकर से होती हुई। यहाँ पर हम रिसीव करेंगे PLC, पेपर लाइन क्लियर। ये भाई लगता है इसको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है जो भी आगे कोच में खड़ा हुआ है। क्या हुआ भाई, ऊपर चढ़, शाबाश, ऊपर हो जाओ, ऊपर हो जाओ। उतरना क्यों है? ओए ओए क्या कर रहा है भाई ये? क्या हुआ, जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? जिंदगी से प्यार नहीं है? शाबाशी है यार इसको, भले आप स्लो स्पीड में भी उतर रहे हो, आप क्यों उतर रहे हो, समझ से बाहर है। अब पता नहीं स्टाफ का था या कौन था, क्योंकि इसके पास कोई साजो सामान भी नहीं था, ना बैग ना और कुछ, क्योंकि ये आता है शेरशाह जंक्शन, ये बाईपास आता है, तो बाईपास से आप काफ़ी जगहों पर जा सकते हैं अगर आपको यहाँ से मुजफ्फरगढ़ जाना हो या महमूद कोट वगैरह या फिर कोटद्दू जाना हो तो यहाँ से आसानी से गाड़ी मिल जाती है। मैं भी इसने इसलिए शॉर्टकट लिया हो, लेकिन जनाब ये जानलेवा भी साबित हो सकता है, आप ता हयात माजूरी का शिकार भी हो सकते हैं। इस तरह का एक्ट रेकमेंड है कि नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब गाड़ी हमारी पहुंच गई 12:40 पर, 1:50 लेट। शुक्र है आए तो बारिश रुकी हुई है, नहीं तो कल जिस तरह मैं आया हूँ वो मैं ही जानता हूँ बारिश में।
जब आपको पता हो कि आपके बिना ट्रेन नहीं जाएगी, और अगर आप लेट हो गए तो आपकी भी खैर नहीं है। खैर ये तो होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, गाड़ी का अराइवल हो गया हमारी 12:40 पर। 1:50 लेट, 1:15 लेट चली थी गाड़ी रोड़ी से, 1:40 लेट आई खानपुर, और 1:50 लेट आई मुल्तान। मेरी आँख को पता नहीं क्या हो गया, रात जागना भी आसान काम नहीं, और तकरीबन 3 तो हम लोग उठ भी गए थे, कुछ ज़्यादा रेस्ट नहीं मिला था। खैर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड पहुंच गए, यही बहुत है। कल मुझे ज़िक्रिया एक्सप्रेस की कॉल हुई थी 2:00 और वापस आए हैं तो 12:30 तकरीबन 21 में हमने अपना सफ़र मुकम्मल किया है। तो खैर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें। ढेर सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।